हेलो फ्रेंड्स, कुक विद टेस्ट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाएंगे खिले खिले जीरा राइस। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए पैन में एक बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे, एक तेज पत्ता, एक छोटी इलायची और आधा छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरे को हम अच्छे से चटकने देंगे। छोटी इलायची की जगह आप बड़ी इलायची का यूज़ भी कर सकते हैं। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी हमने चावल का दो गुना डालना है। ये मैंने 2 कप पानी का यूज़ किया है। स्वादानुसार नमक डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। पानी में बॉईल आने का वेट करेंगे। जैसे ही पानी में बॉईल आने लगे, हम इसमें अपने भीगे हुए चावल डाल देंगे। 20 से 25 मिनट पहले चावल को अच्छे से धोकर भिगो कर रख दें। इससे चावल हमारे खिले खिले बनते हैं। मिक्स कर देंगे और चावल में बॉईल आने का वेट करेंगे। जैसे ही चावल में बॉईल आने लगे, गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और पानी के सूख जाने तक हम इसे लो फ्लेम पर ढककर पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, चावल का लगभग 95% तक पानी सूख गया है। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया डालने से खिले खिले जीरा राइस देखने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं और टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया आता है। मिक्स कर देंगे और पानी के सूख जाने तक हम इसे ऐसे ही पकने देंगे। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और 10 मिनट के लिए हम इसे ढक कर रख देंगे ताकि ये स्टीम में अच्छे से कुक हो जाएं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने खिले खिले जीरा राइस हमारे बनकर रेडी हैं। मैंने इसे ढाबा स्टाइल दाल तड़का के साथ सर्व किया है। इसकी रेसिपी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।